1981 आजमगढ़ संसदीय सीट से श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ जी और उपस्थित आजमगढ़ के सभी भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भाइयों बहनों, तीन चरणों के चुनाव जो रुझान हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के अंदर फिर से सरकार बनाना चाहती है। यानी जनता का रुझान यही है। मुझे पूरे देश के अंदर, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, त्रिपुरा हो, या फिर पश्चिम में महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर राजस्थान है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, मध्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और प्रत्येक नागरिक के मुंह पर, इस देश की प्रत्येक जनता की जवान पर एक ही नाम है, एक ही नाम है। और भाइयों बहनों, हर एक जागरूक मतदाता की एक ही उम्मीद है और एक ही उत्साह देखने को मिलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। यानी हर व्यक्ति की एक चाहत है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश में 2014 में हम 80 में से 73 सीट जीते थे, इस बार लोगों ने पूछा कि क्या आपका लक्ष्य है, तो मैंने कहा 74 प्लस, तो कहा 73 तो सीट जीते थे, 74वीं सीट कौन होगी, तो मैंने कहा आजमगढ़ होगी। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, क्या आप 74वीं सीट भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ देने जा रहे हैं? इधर पूछ रहा हूं, बीच में, इधर। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं, आजमगढ़ को एक पहचान दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं, आज देश और दुनिया के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को इतना बदनाम करवा दिया, इतना बदनाम करवा दिया है। आपने देखा होगा, जब यहां बटाला हाउस का कांड हुआ था दिल्ली में, कितनी बदनामी हुई थी आजमगढ़ की। और तब मैं स्वयं आजमगढ़ आया था, आजमगढ़ में मुझ पर भी हमला हुआ था, लेकिन हमले की परवाह के बगैर आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का जो कार्यक्रम हम लोगों ने उस समय जगाया था, आज आजमगढ़ की उसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। कभी आजमगढ़ की पहचान यहां के साहित्यकारों से, यहां के कलाकारों से, यहां के हरहरपुर जैसे घरानों से होती थी, और आज आजमगढ़ को सपा बसपा ने आतंक और अपराध का गढ़ बना करके बदनाम करने की जो कुत्सित चेष्टा की है, इससे उभारने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट किस रूप में होता है? आज अगर आजमगढ़ का कोई नौजवान आजमगढ़ से कहीं बाहर जाता है, अगर वह आजमगढ़ नाम लेता है, होटल में कमरे नहीं मिलते, कोई किराए पे मकान नहीं देता, न जाने कहां पर क्या घटित हो जाए, क्योंकि जैसा नेतृत्व आजमगढ़ से चुन करके जाता था, वह उसी प्रकार की छाप आजमगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर पहुंचती थी और उसकी आंख से आजमगढ़ का प्रत्येक नागरिक उस तपिश में जुड़ता हुआ दिखाई देता था
नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसीलिए मैंने भोजपुरी का एक सुप्रसिद्ध स्टार आपके सामने दिया है, जो आपकी कला, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति और आपकी विरासत को लेकर के जिसने गरीबी झेली है, गरीबी देखी है और गरीबी में संघर्ष करते हुए अपनी एक मुकाम बनाई है और अपनी पहचान बना करके आप आजमगढ़ को भी एक नई पहचान दे सकते हैं और इस पहचान को देकर के यहाँ के युवाओं के जीवन को उज्जवल राह दिखा सकते हैं। इसीलिए दिलेश लाल यादव निरुवा को मैं आजमगढ़ में लेकर के आया हूँ। भाइयों बहनों, इसीलिए लेकर के आया हूँ। हमने कहा कि नहीं, जो लोग निरुवा के बारे में कहते हैं कि नचनिया है, नहीं, उनको बताया जाना चाहिए कि एक कला और संस्कृति का प्रतीक है और इस कला और संस्कृति के प्रतीक के साथ आजमगढ़ को जोड़ना है। आजमगढ़ को आतंक और अपराध के साथ नहीं जुड़ने देना है। यही अंतर है। सपा बसपा के लोग अपराध के साथ अपनी प्रवृत्ति जोड़ते हैं, अपने डीएनए को जोड़ते हैं, अपना पहचान जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसलिए बटाला हाउस की घटना का समर्थन करते हैं। हम लोगों के लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, यहां का विकास महत्वपूर्ण है, यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आजमगढ़ में मेरा बार बार आना होता रहा है। भाइयों बहनों, जब हम लोग पूर्वांचल की बात करते हैं, एक तरफ गोरखपुर है, एक तरफ वाराणसी है, दोनों ने काफी विकास किया, विकास की प्रक्रिया के साथ काफी आगे बढ़े, लेकिन बीच का आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र विकास से बहुत पीछे छूट गए थे। आजमगढ़ से निकला हुआ व्यक्ति, गाजीपुर से निकला हुआ व्यक्ति, मऊ से, घोसी से निकला हुआ व्यक्ति, लालगंज से निकला हुआ व्यक्ति, अमेनगर से निकला हुआ व्यक्ति जब बाहर जाता है खूब प्रगति करता है, खूब मेहनत करता है, खूब अपने पुरुषार्थ के बल पर, परिश्रम के बल पर खूब यश प्राप्त करता है, लेकिन आजमगढ़ के साथ इस श्रेय नहीं जुड़ पाया। और आजमगढ़ के साथ मेरा भावनात्मक लगाव था, क्योंकि जब मुझ पर हमला हुआ था पूरा आजमगढ़ मेरे साथ सड़कों पर निकल करके उन पत्तों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था। और तब मैंने कहा था कि आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, हमारी सरकार बनी तो। भाइयों बहनों, आजमगढ़ को सबसे पहली सौगात मैंने दी कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग आजमगढ़ को दिया है और आजमगढ़ को हम सीधे लखनऊ के साथ जोड़ रहे हैं। ये लखनऊ के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इसलिए जिससे आजमगढ़ में हम एक औद्योगिक वातावरण दे सकें, आजमगढ़ में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। और जब आजमगढ़ के प्रबुद्ध जन मेरे सामने आए, इन्होंने कहा, संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आजमगढ़ में भी तो कुछ होना चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के पहले यहां पर उच्च शिक्षा के भी तो कुछ केंद्र होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैंने इसी बजट में आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय की ही व्यवस्था कर दी है। अब आप सोचे ना, इतने बड़े बड़े कार्य तो यही हुए हैं और शेष अन्य कार्यों को अगर मैं गिनाऊं आपके बीच में, तो आजमगढ़ में आप एक बार सपा बसपा के विधायक और इनके सांसद पद के पूर्व के प्रत्याशी या जो भी लोग रहे हैं, इनसे एक बार पूछना और इनसे बताना कि वास्तव में अगर वह भाजपा सरकार के 2 वर्ष में और मोदी जी की 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल की तुलना इनके 55-60 वर्ष के कार्यकाल से कर लें, तो भी मोदी जी का और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पलड़ा भारी होगा। और यही बताने के लिए मैं आया हूं, हमने यहां पे 3000 आवास तो शहरी क्षेत्र के गरीबों को दिया,
और 28,000 से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में गांव के गरीब को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर 2,57,600 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,66,000 परिवारों को यहां पर हम लोगों ने रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं और साथ ही साथ 5,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय आजमगढ़ में ऐसे गरीबों को दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। अब तक हम लोग 2,95,900 से अधिक किसानों को, नोट करिए 2,95,900 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये उनके खाते में भेज चुके हैं और चुनाव के बाद फिर जितने किसान होंगे इन सबके खाते में भी 6,000 रुपये हर वर्ष आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।